नमस्कार, मेरा नाम सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि दूध के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उन्हें अलग कैसे किया जाए, प्रोटीन को अलग कैसे किया जाए, कार्बोहाइड्रेट को अलग कैसे किया जाए और फैट को अलग कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे पहले फैट अलग करेंगे, उसके बाद में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट दूध में होता है, उसको अलग करने के तीन तरीके हैं जो मुझे पता है और जो आमतौर पर दुनिया में काम आता है। मैं यहाँ पे वही सारी बातें करूँगा जो आप असली में घर पे कर सकें। कोई लेबोरेटरी में कोई अजीब सा रसायन काम लेकर के आप कुछ अलग से कर दो तो वो सारी बातें मैं नहीं करूँगा। तो आजकल एक दूध से क्रीम निकालने की मशीन चल रही है, उसमें आप दूध डालो, क्रीम अलग निकल जाता है, बाकी दूध अलग निकल जाता है। एक ही तरीका है, पर एक ये मशीन थोड़ी महंगी आती है, 7-8-10 हज़ार से चालू होती है और लाख रुपए या शायद उससे भी ऊपर तक की आती है। और इसमें एक और दिक्कत है कि इसमें आपको एक साथ में शायद 4-5 किलो या 10-15 किलो तक दूध डालना होगा, तब आपके पास में ढंग से क्रीम निकलेगा, वरना वो मशीन में चिपक जाएगा अगर आप 1-2 किलो दूध डालोगे। तो ये घर के काम के लिए जिसमें 1-2-3-4 किलो दूध होता है उसके लिए उतनी ठीक नहीं है। दूसरा है बिलौना। पुरानी जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनमें औरतें बिलौना करती थी, हम इसे राजस्थान में बिलौना कहते हैं। मंथन जो होता है ना, जिसमें दही जमा लिया, दूध का दही जमा लिया, दही से मक्खन निकाला। तो मक्खन निकालने के जो तरीका होता है, जिसमें एक मान लो मटकी या कोई चावड़ी है, मटकी जैसे चीज़ के अंदर दही डाल दिया, पानी डाल दिया, उसमें एक लकड़ी लगी हुई होती है, उसको यूँ करते हैं नीचे, वो उसके कारण दही घूमता है, मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है, उसे हम राजस्थान में बिलौना कहते हैं। मुझे पता नहीं आपकी भाषा में क्या कहते हैं। मतलब उसमें क्या दही का मंथन होता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है, उस मक्खन के ऊपर आने के बाद में नीचे छाछ रह जाती है। सॉरी, ये बोलना भूल गया था इस वीडियो में, तो जोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि आजकल बिजली से चलने वाली मदानियाँ भी आने लग गई, जिनसे जिन्हें आप जैसे मटकी के अंदर वो बस उसे फिट कर दो और बिजली में लगाओ, वो अपने आप ही यूँ घुमा घुमा करके बिलौना कर देती है दही का। मतलब मटकी में आपने दही डाल दिया, पानी डाल दिया, उसको फिट कर दिया, बिजली में लगा दिया, 15-20 मिनट वो बिलौना करके मक्खन ऊपर ले आएगी। इसे आजकल इलेक्ट्रिक मदानियाँ बोलते हैं, या राजस्थान में उसे मदानी बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तीसरा तरीका मलाई। दूध गर्म किया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, धीरे धीरे उसके ऊपर मलाई आ गई। दूध में से सारी मलाई निकाल लो तो उसका सारा फैट आ गया। मतलब पर क्या है कि जो मशीन क्रीम निकालती है ये भी लगभग सारा क्रीम निकालती है, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम रहता है हो। मलाई जो है, मलाई आप जो दूध गर्म करके ठंडा करते हो, जैसे रात को अपने ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर सुबह आपने निकाला मलाई निकाली, तो उसके बाद दूध में काफ़ी फैट रहता है, अच्छा खासा रहता है। मतलब लेकिन बिलौना करते हो जिसमें आप मक्खन निकाल लेते हो, उसमें सारा फैट निकल जाता है, लगभग जितना निकाल सकते हो आप इंसान की तरह घर में बैठे बैठे, तो वो निकल जाता है। जो मलाई है इसमें एक तरीका है जिसमें आप लगभग सारा फैट निकाल सकते हो, वो मैं आपसे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर ये तीन तरीके हैं जिससे आप दूध का फैट अलग कर सकते हो। मान लो आपने कोई भी तरीके से दूध का सारा फैट अलग कर लिया, जितना आप कर सकते थे उतना सारा आपने अलग कर लिया। अब बचा दूध के अंदर क्या, प्रोटीन और लैक्टोज, जो कि दूध की चीनी है, दूध के अंदर जो कुदरती चीनी होती है वो। अब मैं ये अलग करना है, बाकी तो पानी है दूध का। तो प्रोटीन दूध में दो तरीके होते हैं, एक केसिंग और एक वे। ये वे प्रोटीन वही है जिसके आप डब्बे खरीद करके वे प्रोटीन पाउडर पीते हो, और केसिंग प्रोटीन होता है जो केसिंग प्रोटीन पाउडर भी आता है, पर ये दूध के अंदर से ही निकलता है और दूध से बनता है। अब हमें प्रोटीन निकालना है तो क्या करो कि दूध का बने सारा मलाई, देखो घर पे आप क्या ये मशीन वाला काम भी नहीं कर सकते, और आजकल क्या लोग बहुत आलसी हैं तो ये बिलौने वाला काम भी नहीं करते, वो मलाई वाला काम करना पसंद करते हैं फैट निकालने के लिए। तो सारा फैट या जितना हो सके उतना फैट कैसे निकाला जाए मलाई से, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मान लो आपने मलाई से जितना हो सके उतना फैट निकाल लिया, सारा फैट निकाल लिया, लगभग सारा निकल जाएगा, तो वो निकाल लिया। उसके बाद में आपने क्या दूध को फाड़ना है, अपने दूध को, दूध थोड़ा गर्म दूध लेंगे, उसमें नींबू निचोड़ देंगे और उसे हिला देंगे, उसे रख देंगे, फिर हिलाते रहेंगे तो उसमें से वो दूध फट जाएगा, उसमें पानी अलग हो जाएगा और वो सफ़ेद वाला जो छीना होता है जिसको लोग पनीर भी बोलते हैं, वो छीना अलग हो जाएगा, वो पनीर अलग हो जाएगा। और अगर सिर्फ नींबू डाल करने से नहीं हो तो फिर नींबू डाल कर लोग गर्म भी कर लेते हैं, तो वो गर्म होते होते फट जाता है, या फिर नींबू की जगह लोग काफ़ी सारा दही डाल लेते हैं,
जैसे 1 लीटर दूध में 1 कटोरी दही डाल लिया, उसको घुमा करके रख दिया 15-20 मिनट, फिर उसको मतलब हिला करके रख दिया, उसमें पूरे दूध में मिला दिया और फिर उसको गर्म कर लिया, तो उससे क्या दूध फट जाता है। और मैंने सुना है कि दही डालने से ज़्यादा अच्छा फटता है, मैंने सुना है, मुझे पूरा पता नहीं है, मैंने कभी फाड़ा नहीं वैसे, मैंने नींबू से फाड़ा है। तो ये अपनी मम्मी को पता होगा तरीका कि दूध फाड़ते कैसे हैं, या आप अपनी मम्मी से पूछ लेना। इसमें पानी अलग हो जाएगा और छीना अलग हो जाएगा, जो सफ़ेद रंग का होता है छीना, जिसको लोग पनीर कहते हैं, तो जो पानी अलग होता है उसमें आपकी दूध की चीनी होगी, और जो छीना अलग होगा वो आपका केसीन प्रोटीन होगा। दूध में 1 लीटर दूध में लगभग, गाय के दूध की बात हो रही है यहाँ पर सारी, 1 लीटर दूध में करीब 33 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें से करीब 25 ग्राम केसीन प्रोटीन होता है, तो आपको 25 ग्राम केसीन प्रोटीन वो अलग हो गया छीने में। फिर बचा आपके पास में वो पानी, उस पानी में आपका वे प्रोटीन होगा जो कि करीब दूध में 8 ग्राम होता है, 8 और 25 33 ग्राम हो गया कुल मिला के, और उसमें आपकी लैक्टोज भी होगी। अब कहानी आती है वे प्रोटीन और लैक्टोज को अलग अलग कैसे करें, तो यार ऐसा है कि वे प्रोटीन और लैक्टोज को अलग करने के लिए फिर क्या है कि उस जो पानी है उसको गर्म करो, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालो, फिर उसको 3 मिनट तक हिलाओ और फिर उसको छानो, तो उसमें से लैक्टोज अलग और वे प्रोटीन अलग हो जाएगा। लेकिन ये आमतौर पे कोई नहीं करता, मैंने कभी किसी को करते नहीं देखा, आमतौर पे लोग इस पानी को अलग काम ले लेते हैं और छीने को अलग काम ले लेते हैं, मतलब केसीन प्रोटीन अलग काम ले लेता है और ये लैक्टोज और वे प्रोटीन अलग रख लेते हैं। इसका ये जो पानी बना, इस पानी को बोलते हैं वे, इस पानी में वे प्रोटीन भी है और लैक्टोज भी है, पर इस पानी को ऐसे बोल देते हैं वे, वे लिक्विड या वे बोल देते हैं, लिक्विड वे ऐसे बोल देते हैं। तो कभी इंटरनेट पे सामने आए तो कन्फ्यूज मत होना, मतलब कहने वाले है। तो ये जो लिक्विड वे है जिसको वे बोलते हैं, हालांकि इसके अंदर लैक्टोज भी और वे प्रोटीन भी, पर इसे वे बोल देते हैं। तो ये जो वे लिक्विड है इसको आमतौर पे कैसे काम लिया जाता है, जो इसे जो देसी भाषा में बोलते हैं छीने का पानी, जो दूध फाड़ा तो छीना अलग हो गया, जो पानी बच गया, छीने का जो पानी बच गया, उस पानी को क्या है, या तो लोग ऐसे पी लेते हैं, नमक वगैरह डाल के पी लेते हैं, या फिर उसको आटा उसनने में काम ले लेते हैं, मतलब आटे में पानी डाल के आटा उसनते हैं, तो आटे में ये वाला पानी डाल करके आटा उसन लेते हैं, मतलब आटा गूंथ लेते हैं, तो ये जो वे प्रोटीन ये भी काम आ जाता है और ये लैक्टोज भी काम आ जाती है। और नहीं तो ये फिर गाय गोदों को पिला देते हैं या किसी जानवर को पिला दिया, मतलब इसको ख़राब नहीं करना चाहिए, इसमें मतलब लैक्टोज की भी कैलोरीज है, वे प्रोटीन की कैलोरीज है, और दोनों की ताकत भी है, काम की चीज़ें तो क्यों ख़राब करना। तो ये जो वे लिक्विड है यहीं से, इसी से आपका आगे जाकर के वे प्रोटीन पाउडर बनता है। और ये जो पानी है, जो छीने का पानी है हमारा, ये पानी जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है, वो भी पी सकते हैं, क्योंकि जब दूध खट्टा करके आपने फाड़ा है तो वो जो खट्टे दूध का पानी है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले लोग भी लोगों को भी दिक्कत नहीं देता, क्योंकि उसमें खटास आ गई तो उसको बैक्टीरिया फर्मेंट कर देते हैं, आपने उसमें दही डाल के फाड़ा था तो उसमें जो बैक्टीरिया आ गया उसको फर्मेंट कर देंगे। तो ये कहानी है कि आप दूध के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को कैसे अलग कर सकते हो। आप कहोगे कि मैंने लैक्टोज और वे प्रोटीन को अलग करना नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट डालो, 3 मिनट तक हिलाते हिलाते गर्म करो। अगर आपको फिर भी सच में गर्म है, हालांकि ये रोज़ घर पर आप नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो अगर आपको फिर भी देखना है तो नेट पर सर्च कर लो कि इसको इससे कैसे अलग करते हैं। बाकी ये वो चीज़ नहीं है जो आप रोज़ रोज़ घर पर कर पाओ मेरे हिसाब से, तो इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया इतना रोज़ रोज़ करने के लिए ठीक है। और आमतौर पर यही किया जाता है, आपने अपनी मम्मी को दूध से छीना बनाते हुए देखा होगा, पनीर बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आपने उस पानी जो छीने का पानी बचता है उस पानी से आपने उस अपनी मम्मी को उसके और दो हिस्से करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना घरेलू कामों में इतना आसान नहीं पड़ता, बहुत मेहनत लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, काफ़ी काम का वीडियो है, आपको शायद ऐसा इंटरनेट पर ना मिलेगा तो इसे शेयर करके आप दूसरों को भी भला कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।